दोस्तों राजस्थान सेट 2022 के राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास 34 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? दोस्तों राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? ये 36 कार्यरत हैं, 33 नहीं है, 31 नहीं है, 29 नहीं है। आप लोग भ्रमित हो सकते हैं कि भाई 33 जिले हैं तो 33 तो होंगे ही होंगे, तो ये नहीं है, 36 सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई थी। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 में की गई थी। यहाँ से सही है 1889 में नहीं, 1925 में नहीं, 1906 में नहीं। इसका देख लेते हैं हमारे राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड ये सारी मिलों को हमने एक साथ ले आए हैं आप लोगों के लिए। द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में है, इसकी स्थापना 1889 में हुई है। एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर में 1906 में। महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर अजमेर में 1925 में। 203 मिलें हो गई जो हमारे सिर्फ अजमेर में स्थित है। देखो कौन कौन सी हो गई, द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में 1889, एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर में 1906, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर अजमेर में 1925 में। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ दूसरे कलर से। मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा की है 1938 में। तो जो मेवाड़ टेक्सटाइल्स है हमारी 1938 वाली, ये भीलवाड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 में। आगे बढ़ते हैं। महाराजा उमेश सिंह मिल्स पाली में 1942 में। सादुल टेक्सटाइल्स मिल्स श्री गंगानगर में 1946 में। कोटा टेक्सटाइल्स मिल्स 1956 कोटा में। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की हमारे आज़ादी से पहले सिर्फ 6 ही थी, है ना, आज़ादी से पहले सिर्फ हमारी 6 ही हुआ करती थी। अब देखो कौन कौन से ज़िले में है, एक तो अजमेर में हो गई, दूसरी भीलवाड़ा में, पाली में, श्री गंगानगर में और कोटा में। हमारे सूती वस्त्र से रिलेटेड जो मिल्स हैं सिर्फ इन्हीं गिने चुने जिलों में हैं। 6 हुआ करती थी आज़ादी से पूर्व। द कृष्णा मिल राजस्थान की पहली इकाई थी। दोस्तों ये पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र उद्योग वाली मिल कौन सी थी, तो द कृष्णा मिल राजस्थान की थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग हुआ करता था, तो आंसर ये सही है। अभी तो इसको मतलब इतना बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। अदरवाइज ये सबसे प्राचीन संगठित उद्योग हुआ करता था, अंग्रेजों के बाद में सब बर्बाद हो गया। सीमेंट उद्योग नहीं है, चीनी उद्योग नहीं है, अभ्रक उद्योग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले नहीं है, इसको हमने चिन्हित कर लिया, जाते ही क्वेश्चन मार्क करना होता है नहीं है को। क्वेश्चन में देख लेंगे नहीं है या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया कि भैया नहीं है पूछा है। तो निम्नलिखित कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, स्टेट वूल्स मिल्स बीकानेर या मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आंसर सही है। ये सब तो राजस्थान की है ही है, ये सुगर मिल्स अभी पड़ी है अपने, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना ये वाली राजस्थान की है, और स्टेट वूल मिल्स भी राजस्थान सरकार का है। आगे बढ़ते हैं। चीनी उद्योग कारखाने की देखो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चीनी उद्योग की कारखाने या इकाइयाँ, चीनी उद्योग की 3 कारखाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द मेवाड़ सुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, इसकी स्थापना 1932 में की गई। द गंगानगर सुगर मिल्स से गंगानगर में 1956 में इसकी स्थापना की गई। केशव राय पाटिल सुगर मिल्स बूंदी 1965 में इसकी स्थापना हो गई। दोस्तों 3 सूती वस्त्र उद्योग है, द मेवाड़ सुगर मिल्स भोपाल सागर में स्थित है चित्तौड़गढ़ के में, 1932 में इसकी स्थापना हो गई। द गंगानगर सुगर मिल्स गंगानगर में है, 1956 में स्थापना हुई। केशव राय पाटिल सुगर मिल्स बूंदी में है और स्थापना 1965 में हुई है। दोस्तों द मेवाड़ सुगर मिल्स चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना कौन सा है, तो ये है द मेवाड़ सुगर मिल्स। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन चुकंदर से चीनी कब बनाना शुरू हुआ, और एशिया का पहला ऐसा संयंत्र कौन है जिसमें चुकंदर से चीनी बनाई गई, तो ये 1968 में शुरू हुआ।
एशिया के जितने सुगान श्री गंगानगर सुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का पहला संयंत्र स्थापित किया गया 1968 में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है। राजस्थान में चीनी उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है, ये क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं, भोपाल सागर श्री गंगानगर केशवरायपाटन, ये सही समुच्चय है, आंसर ये सही है। देखो बीकानेर में नहीं है कोई भी मिल, यहाँ भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग, उदयपुर में भी नहीं है, कोटा भीलवाड़ा टोक में भी नहीं है, केशवरायपाटन ये भी नहीं है। तो भोपाल सागर से गंगानगर केशवरायपाटन में चीनी मिल है, ठीक है। मेवाड़ सुगर मिल व्यवस्थित है, दोस्तों मेवाड़ सुगर मिल कहाँ स्थित है, ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, क्योंकि मैंने अभी आंसर ऊपर बताया आपको ना। सहकारी तंत्र से संचालित चीनी का कारखाना स्थित है, दोस्तों सहकारी तंत्र से संचालित चीनी का कारखाना केशवरायपाटन है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, ओके, गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया, तो सभी अभी हमने डिस्कस किया था कि चुकंदर से चीनी बनाना सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड ने कब किया था, 1968 ने, आंसर सही है। और ये एशिया की पहली मिल थी जिसने क्या किया था, चुकंदर से चीनी बनाना स्टार्ट किया था 1968 में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान ऊन मिल्स कहाँ स्थित है, दोस्तों यहाँ पे ना चीनी है ना सूती वस्त्र, यहाँ पे नया वर्ड है ऊन। ऊन हम सबको पता है, भेड़े जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे ऊन होगी, तो कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं, या तो बीकानेर हो सकता है या फिर बाड़मेर हो सकता है, उदयपुर तो नहीं है, चूरू नहीं है, दो आंसर हमने काट दिए। अब यहाँ पे राजस्थान ऊन मिल्स, अब ये देखो अभी हमने ये सोचा था हमें आता नहीं है, तो हमने दो ऑप्शन तो काट लिए थे, दो बचे थे, लेकिन हमें अब कंफर्म होना चाहिए राजस्थान ऊन मिल्स कहाँ पे स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, दोस्तों कृषि आधारित उद्योग चीनी भी है, गन्ने से चुकंदर से बनाई जाती है, सूती वस्त्र भी है, कपास के उससे बनाई जाती है, और वनस्पति घी भी है जो बनाया जाता है, ठीक है, पर सीमेंट हमारा जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, दोस्तों राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क हमारा अजमेर में स्थित है, ये आंसर सही है। अलवर में नहीं है, बूंदी में नहीं है, राजसमंद में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस ज़िले में कांच उद्योग स्थापित किया गया, दोस्तों कांच उद्योग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कांच उद्योग हमारा धौलपुर में स्थापित किया गया है, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, दोस्तों रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की सीमेंट नगरी कौन सी है, दोस्तों राजस्थान की सीमेंट नगरी बोली जाती है चित्तौड़गढ़ को, आंसर बिल्कुल सही है। जयपुर नहीं है, जोधपुर नहीं है, जैसलमेर नहीं है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।